हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको स्केचअप का सारा टूल्स कैसे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी सबसे पहले हम ये दिखाते हैं जो टूल्स आपको दिख रहा है, अगर ये गायब हो जाए तो आप कैसे लाएंगे। तो व्यू में जाना है आपको, उसके बाद टूल बार पर करना है क्लिक। जैसे ग्रीटिंग स्टार्टेड है, इस पर अगर ट्रिक है तो ये है, अगर ट्रिक नहीं है तो ये गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया, ठीक है। फिर ट्रिक करेंगे ये आ जाएगा। ऐसे ही लार्ज टूल टेस्ट सेट जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे ये गायब हो गया, और इस पर दोबारा क्लिक किए तो आ गया। मतलब ब्लैक ट्रिक जिस पर रहेगा वो टूल्स आपको दिखाई देगा, जिस पर नहीं रहेगा वो ट्रिक नहीं दिखाई देगा, देख लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन टूल, सेक्शन टूल पर क्लिक करिए, सेक्शन टूल भी आ गया, हटाइए तो हट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टूल अपना ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब एक एक टूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो है चार प्रिंसिपल टूल है, ठीक है, और ये सब जो है ड्राइंग टूल है। तो प्रिंसिपल टूल में होता है एक ये सिलेक्शन का ऑप्शन, तो स्पेस से ये अप्लाई, स्पेस से ये एक्टिव होता है। स्पेस क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये पेंसिल है, अगर स्पेस क्लिक किए तो ये टूल एक्टिव हो गया। इसी तरह है ये पेन टूल, इसके बाद इरेजर टूल, और इसके बाद लाइन टूल है, और ये जो है फ्री हैंड, रेक्टेंगल और पॉलीगन, इसी तरह सारा टूल है। सब यूज करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक अभी हम बना लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक। और इसमें थोड़ा सा इसको हाइट देते हैं प्रिंसिपल कमांड से, ये हमने दे दिया हाइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हाइट हमने दिया, अब इसमें हमने सिलेक्शन टूल तो पता चल गया हमें, ठीक। अब सिलेक्शन टूल के बाद इस पर आप एक बार क्लिक कर लो और ये एक्टिव हो जाएगा हमारा मेक कंपोनेंट। मतलब ये कंपोनेंट के तरह आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक करके और यहाँ पे जो भी नाम देना है, जैसे P1 देके हमने कर दिया क्रिएट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक। तो हमने कंपोनेंट मतलब कहीं भी इस टाइप का सेप अगर यूज करना है तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कलर की बात आती है, तीसरा जो हमारा ये प्रिंसिपल टूल में कलर टूल है, इस पर हम करेंगे क्लिक, ठीक। कलर टूल में हम करेंगे क्लिक, और कलर टूल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे कि आपको कलर्स लेना है, नॉर्मल कलर ये सब, तो कलर्स पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आप बस यहाँ पे एक मतलब एक सरफेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कलर आप सिलेक्ट किए हैं वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए अप्लाई हो गया, और यहाँ से अगर दूसरा कलर साइड में अप्लाई करना चाहते हैं तो हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आपको, अगर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ से समझ में आएगा, ठीक। तो ये अप्लाई हो चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पे कंक्रीट अप्लाई करना है तो कुछ नहीं, ये जो कलर्स का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक करिए और देखिए कंक्रीट वाला कलर कहाँ पे है, ठीक है। एस्फाल्ट एंड कंक्रीट इसमें है, ठीक है। इस पर क्लिक करिए और ये कंक्रीट वाला कलर लीजिए और इस पर कर दीजिए अप्लाई। थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से कलर का यूज होता है। और भी दिखा देते हैं, जैसे आपको ब्रिक लगाना है तो ब्रिक पर आप क्लिक करिए और ब्रिक वाला जो है कलर को उठा लीजिए, और जैसे साइड में ब्रिक आपको दिखाना है तो साइड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि आपको ब्रिक दिखने लगा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कलर फिल कर सकते हैं, बस कलर वाले टूल को आपको लेना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इरेजर, ये जो इरेजर वाला टूल है इसका हम बताते हैं क्या फंडा है। तो उसके पहले हमको कुछ ड्रा करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये लाइन कमांड ले लेते हैं जो कि एल से एक्टिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन हमने किया ड्रा, ठीक है, और इसको कर लिया क्लोज। अब बात ये है, ये जो है इसको डिलीट कैसे करें। तो ये इरेजर वाला टूल लेके आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये लाइन डिलीट होने लगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इरेज कर सकते हैं। इस लाइन को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करिए, ये डिलीट हो गया, देखिए ये पूरा नीचे वाला सरफेस आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिलीट करते हैं। अब आपको लाइन कमांड समझ में आ गया, इरेजर कमांड समझ में आ गया, और इसके बगल में जो ये है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का मतलब यही है, अब देखिए ये जैसे कि हमको
देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप जो माउस का बीच वाला स्क्रॉलिंग वाला की है उसको अप डाउन करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसको झुका के देखना है तो ये कम है ऑर्बिट का, ऑर्बिट पे क्लिक करिए और इसे थोड़ा इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैन कमांड है, पैन से आप इसको आगे ले जाइए। अब आपको बनाना है फ्री हैंड टूल से, फ्री हैंड टूल के बारे में बात करते हैं। तो इसको आप जैसे जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसको आगे पीछे कर दीजिए और इसमें आके अटैच कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया, अब इसको आप कोई शेप दे सकते हैं, इस पर क्लिक करिए, फ्रिसफुल पे, फ्रिसफुल कमांड आइए, यहाँ से आप इसको एक कोई शेप दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ऐसे ही रेक्टेंगल कमांड है जो कि हमने अभी आपको बताया था, रेक्टेंगल पे क्लिक करिए और ये फ्रिसफुल कमांड है जिसमें कुछ भी हाइट का आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है रोटेटेड रेक्टेंगल, अभी आप किसी भी हाइट में किसी भी शेप में आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल बन गया, अब इसको अगर प्रेसफुल करेंगे तो ये देखिए वर्टिकली होगा, इस टाइप का अगर रेक्टेंगल बनाना है तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कमांड आर्क कमांड, आर्क कमांड में आप आर्क जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करिए और ये आर्क आपका बन के तैयार हो गया। देखिए दूसरी जगह बनाते हैं, यहाँ पे ये देखिए आर्क बन गया, और इस लाइन कमांड से इसको मैच करके एक आप शेप बना सकते हैं और प्रिसफुल कमांड से इसको ऊपर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2.1 टू पॉइंट आर्क के बारे में अब बात करते हैं, मतलब बस दो पॉइंट आपको देना है, दो पॉइंट दिए और आर्क खींच दीजिए जहाँ भी आपको खींचना है, ठीक है। और इसके बाद एक आर्क और अगर खींचना है आपको, यहाँ पे दो पॉइंट दीजिए और इसको खींच दीजिए और यहाँ से लाइन कमांड से इसको मैच कर दीजिए, जैसे कि अगर आपको कोई शेप बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रिसफुल कमांड से इसको ऊंचा कर लीजिए, इस टाइप का आर्क आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थ्री पॉइंट आर्क, तो थ्री पॉइंट आर्क में आपको कोई तीन पॉइंट देना होगा जहाँ पे आप आर्क बनाना चाहते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ और तीसरा पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब इसको लाइन कमांड से अगेन आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये लाइन हट नहीं रहा है, मतलब कमांड एक्टिव है, तो इसको एस्केप से आप बाहर आ सकते हैं इस कमांड से, ठीक है। और फिर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रिसफुल कमांड का काम ही यही है कि इसको प्रिसफुल करना, मतलब ऊपर नीचे करना, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया, अगर आप जैसे कि अब इस प्रिसफुल का मेन मकसद जानना चाहते हैं तो इसमें हम बनाते हैं एक और रेक्टेंगल, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब प्रिसफुल का देखिए, यहाँ से आप इसको आगे भी कर सकते हैं और यहाँ से इसमें होल भी कर सकते हैं, देखिए हो गया गैप तैयार हो गया। अब इसको ऑर्बिट कमांड से आप घुमा के देख सकते हैं कि क्या बना कि नहीं बना, ये देखिए पूरा गैप बन गया। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरह से पीछे आना है और इसे कर देना है डिलीट, सिलेक्शन टूल को कमांड का यूज करके इस पर करना है क्लिक, ठीक है, और कर देना है डिलीट, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट, ठीक है। और ये जो लाइन कमांड आपको दिख रहा है, लाइन को तो आप सिंपली इस इरेजर टूल से कर सकते हैं डिलीट, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिलीट करके काम अपना कर सकते हैं, इसमें गैप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इतना कमांड आपको हो गया पता, अब पाई बनाते हैं। पाई देखिए, पाई बनता है कैसे वो आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, अगर पाई टाइप का शेप कहीं आपको देना है तो आप यहाँ से पाई टाइप का शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब पाई के बाद आता है मूव, अब इस चीज़ को, इस शेप को अगर मूव करना है, इस पर करना है क्लिक आपको, और फिर एक क्लिक और करना है, और जहाँ मूव करना है आपको ऊपर नीचे आप मूव इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक। मूव कमांड के बाद आता है प्रिसफुल, जो कि आपको हम कई बार दिखा दिए हैं। इसके बाद आता है कमांड रोटेट, रोटेट पे इसे क्लिक करिए, अब जिस शेप में आपको रोटेट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, उस शेप में ये रोटेट करके रख देगा, देखिए ठीक है। ये देखिए, ठीक, तो रोटेट हो गया। इसके बाद आता है फॉलो मी, फॉलो मी का मतलब क्या है कि ये फॉलो करेगा किसी एक लाइन को, इसको क्लिक कर दिया हमने, अब इसे अगर बढ़ाते हैं हम, देखिए ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा, ठीक है, इसके अनुसार फॉलो करेगा इसको, ठीक है।
इसके बाद आती है बात स्केल की। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्केल के बाद बात आती है इसकी ऑफसेट की। अब ऑफसेट आपको हम दिखाते हैं क्या होता है। एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका ये एक ऑफसेट हो जाए अंदर के साइड में, तो इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करें। ये ऑफसेट का जो मामला है आपको समझ में आएगा 2D में, तो हम 2D पे करते हैं क्लिक। जैसे 2D का मतलब ये है कि टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू में हमें जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद एक रेक्टेंगल हमको ड्रा कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें लेना है ऑफसेट, तो ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है आपको इस लाइन पे। ये एक मिनट, फॉलो वाला कमांड से हमें बाहर आना है। अब ऑफसेट वाला कमांड पे क्लिक करना है और ये देखिए ये ऑफसेट अंदर के साइड में जितना भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। ऑफसेट के बाद आता है बात इसका टैप मेजर टूल। अब जैसे इसके बीच में आपको एक कोई मेजर लाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक मेजर लाइन हो गया जहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर करके हमको आपको दे देता है, ठीक। इसके बाद ये डायमेंशन लाइन है जहाँ से आप डायमेंशन शो कर सकते हैं, ठीक। ये डायमेंशन शो हो गया, आप देख सकते हैं क्लियर। और इसके बाद डायमेंशन के बाद मेन टूल है कोई नाम लिखना, तो ए वाले पे क्लिक करिए और कोई भी नाम दे दीजिए और कर दीजिए इंटर, मतलब प्लेस, जहाँ प्लेस करना है यहाँ पे मैंने प्लेस दे दिया, ठीक है। फिर से आपको बताते हैं हम, ए पे करना है क्लिक और यहाँ पे पी के लिखिए और हाइट जितना भी देना है दे दीजिए और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्योंकि छोटा था, ये देखिए लिखा हुआ है पी के, ठीक। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्लियर दिखाई देने लगेगा। और ये जूम का तो आपको पता ही है, जूम कर सकते हैं बड़ा छोटा, ठीक है। तो आई थिंक सारे टूल्स के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको अच्छे से प्लान बनाना। पहले वीडियो में तो हमने बताया ही था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से और अच्छे से हम आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।